धर्म ग्रंथ पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पर संख्या 4 से 5। योना ने उसमें प्रवेश किया और एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपने सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। आइए हम मनन चिंतन करें। योना निनवे के लोगों के लिए पश्चाताप का संदेश लाया और उन्होंने पश्चाताप किया। मेरे परिवार व मित्रों के बीच प्रभु के पश्चाताप व क्षमा के संदेश को मैं कैसे पहुंचा सकता हूं? योना की बात सुनकर निनवे के लोगों ने क्यों पश्चाताप किया? निनवे के लोगों ने छोटों से लेकर बड़ों तक प्रभु के संदेश को सुना और पश्चाताप किया। टाट ओढ़ने व राख पर बैठने का आशय क्या है? आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, तूने योना नबी को निनवे के लोगों के लिए पश्चाताप व मुक्ति का संदेश देने भेजा। अपने पवित्र आत्मा के दिव्य स्पर्श से मेरे हृदय को छू ले, ताकि निनवे के लोगों के समान मैं भी तेरी क्षमा पाकर नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। आमीन। संत योहन क्रिसोस्टम कहते हैं, पाप एक जख्म है और पश्चाताप उसकी दवा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर।